रबी सीजन में मंडी में गेहूं और सरसों की आवक जारी है। किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं मंडी में हर दिन सरसों और गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मंडी में आज सरसों और गेहूं के ताजा भाव क्या रहे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं मंडी 360। मंडी 360 में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में गेहूं और सरसों के भाव की। मध्य प्रदेश में आज गेहूं का भाव 1600 रुपए से लेकर 4350 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। वहीं 19 अप्रैल की बात करें तो मध्य प्रदेश में गेहूं 1601 रुपए से लेकर 4425 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, जबकि 18 अप्रैल को 1900 रुपए से लेकर 3700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव रहा। तो यानी मध्य प्रदेश में तीन दिन के भाव क्या देखें तो मध्य प्रदेश में गेहूं के भाव में कल के मुकाबले आज थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मिल क्वालिटी के गेहूं का भाव काफी ज्यादा है। मिल क्वालिटी के गेहूं का भाव मध्य प्रदेश में अगर आज की बात करें तो हम 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा है। मध्य प्रदेश में सरसों के भाव में देखें तो सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। जहां 19 अप्रैल को 5650 रुपए सरसों का भाव था तो वहीं आज 5352 रुपए सरसों का भाव रह गया है। यानी कि सरसों के भाव में 300 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं राजस्थान में गेहूं के भाव की। तो राजस्थान में गेहूं का भाव 2200 रुपए से लेकर 2667 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा, जबकि 19 अप्रैल को राजस्थान में गेहूं का भाव 2140 रुपए से लेकर 2640 रुपए प्रति क्विंटल था। इसी तरह 18 अप्रैल की बात करें तो राजस्थान में गेहूं का भाव 2150 रुपए से लेकर 2575 रुपए तक गेहूं का भाव रहा। राजस्थान में गेहूं के भाव की बात करें तो पिछले तीन दिन में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। हालांकि 10-20 रुपए का अंतर हर दिन देखने को मिल रहा है। राजस्थान में सरसों के भाव की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में आज सरसों का भाव 4500 रुपए से लेकर 5338 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि 19 अप्रैल को राजस्थान में सरसों 4300 रुपए से लेकर 5370 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। इसी तरह 18 अप्रैल को राजस्थान में सरसों 4370 रुपए से लेकर 5208 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। तो अगर तीन दिन के भाव देखें राजस्थान में सरसों के तो सरसों में भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। राजस्थान की बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में गेहूं और सरसों दोनों की खरीद सरकारी एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। यहाँ एमएसपी पर खरीद की जा रही है और जो एमएसपी है गेहूं का हरियाणा में 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह सरसों का जो एमएसपी है हरियाणा में 5650 रुपए है। हालांकि आज जो सरसों का डेटा है वो नहीं आया है कि आज सरसों क्या भाव रही हरियाणा में। हरियाणा के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं का भाव है वो 2275 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहा है। 19 अप्रैल को भी उत्तर प्रदेश में गेहूं का यही भाव रहा 2275 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल, और 18 अप्रैल को भी 2275 रुपए से लेकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं बिका। उत्तर प्रदेश में सरसों के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज सरसों का भाव 4600 रुपए से लेकर 5750 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि 19 अप्रैल को 4800 रुपए से लेकर 5750 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से सरसों बिकी। 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 4725 रुपए से लेकर 5760 रुपए प्रति क्विंटल सरसों का भाव रहा। तो उत्तर प्रदेश में तीन दिन के सरसों के भाव की बात करें तो बहुत ज्यादा सरसों के भाव में भी अंतर देखने को नहीं मिला है। तो ये थे चार राज्यों में गेहूं और सरसों के मंडी के भाव। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।